हेलो, पिछली क्लास में हमने देखा सभी फॉर्म्स हमने खत्म कर ली थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस की थी, नॉर्मल फॉर्म। पुरानी जितनी भी फॉर्म्स थी जो कि एक्चुअली पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही ड्राइव होती हैं, उन सबके कुछ केसेस देखे थे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी थी उनकी। सो आज कुछ और सवाल करते हैं उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स पे। बिफोर आई मूव ऑन टू जनरल इक्वेशन जो पढ़ेंगे हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सो उस कैटेगरी में एक पहला सवाल ये है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइन है, एक का स्लोप दूसरे से डबल है, दुगना है। और दिया हुआ है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। यानी आपको उन्हीं दोनों लाइनों का स्लोप बताना है। तो दो लाइन है, एक का स्लोप दूसरे के मुकाबले दुगना है और दोनों के बीच में जो टेंजेंट का एंगल है वो 1/3 है। तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मान लीजिए दो लाइन हमने मान ली, एक कुछ ऐसी मान ली है और एक कुछ ऐसी मान ली है। सो मान लेते हैं इसका स्लोप एम है, और यदि इसका स्लोप एम मानेंगे तो इसका स्लोप मान लेते हैं 2m, क्योंकि एक का स्लोप दूसरे का डबल दिया हुआ है। और ये ऊंची मैंने मानी है तो मैंने इसका स्लोप ज्यादा बोल दिया, क्योंकि मैंने इसे ऊंचा माना है तो मैंने इसका स्लोप ज्यादा बोल दिया, 2m इसको लिख दिया। और दिया हुआ है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। 1/3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कौन से एंगल की बात हो रही है? एक्यूट एंगल की बात हो रही है। जो थीटा है इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। और हम जानते हैं एक्यूट एंगल की क्या लिखा, क्या लिखते हैं अपन, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हो जाएगा इफ द वैल्यू इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ दी लाइन्स। आपको बेसिकली दोनों स्लोप की वैल्यू निकालनी है कि एम क्या होगा और 2m क्या होगा। तो मतलब वेरिएबल तो एक ही है m, अगर m की वैल्यू निकल जाए तो क्या होगा, दोनों स्लोप निकल जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है, तो लाइन 1 का स्लोप मान लेते हैं m1 है और लाइन स्लोप का 2 का स्लोप मान लेते हैं m2 है। तो ये मतलब 2m हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा आपका m2। ठीक है, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड लगाने, क्योंकि ये ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप देखो 2m माइनस m क्या होगा, नहीं m की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं मॉड लगा देना चाहिए, क्योंकि 2m स्क्वायर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो एम स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2m स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो पर न्यूमरेटर में आएगा m, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने मॉड लगा दिया, इसलिए इज इक्वल टू है 1/3। यानी m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर का मॉड बराबर होगा 1/3। इसको मैं बराबर लिख दूंगा प्लस माइनस, मॉड हटा दिया मैंने, तो मॉड हटा दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3। दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, एक तो 1/3 के साथ और एक -1/3 के साथ। दोनों ही केसेस सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला केस तो बनेगा, मान लीजिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पहला केस बनेगा आपका, अगर आप 3 से +1/3 लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2m स्क्वायर -3m+1 = 0। ये आपका क्या है, केस 1, 2m स्क्वायर -3m+1, ये फर्स्ट केस है। अगर आप प्लस वाला साइन लोगे, सेकंड वाला नेगेटिव साइन लोगे, तो क्या बनेगा, 2m² + 3m+1 = 0। ये दोनों इक्वेशंस बनेंगी प्लस माइनस साइन के साथ देखोगे तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, हम क्या क्या आंसर्स आएंगे। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। दोनों ही केसेस में आपके रियल रूट्स आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। केस वन ये कहता है कि 2m² - 3m+1 = 0। इसके फैक्टर्स काफी आसान है, इसके फैक्टर्स जाएंगे 2m² - 2m - m+1 = 0। 2m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2m कॉमन लेने पे आएगा m-1, और माइनस कॉमन लेने पे आएगा m-1। दोनों में आप m-1 कॉमन ले लीजिए, दिया जाएगा m-1 times 2m-1 = 0। यानी m की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1/2। यानी
यानी m की वैल्यू अगर 1 और 1 अपॉन 2 है तो किसका क्या मतलब, दो आंसर होगा इस केस के ही, यानी तो क्योंकि मैंने m2 का m माना था तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 अपॉन 2, ठीक है, और उस हिसाब से जब m2 की वैल्यू 1 होगी तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगनी यानी 2, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगी 1, यानी एक आंसर तो होगा 1 एंड 2 और एक आंसर होगा 1 बाय 2 एंड 1, क्योंकि एक लाइन का स्लोप दूसरी के दुगना है ना, तो या तो एक और दो होंगे या फिर आधा और एक होंगे, ये एक केस है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर पाओगे क्या, इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको कैसे करना पड़ेगा, m की वैल्यू होगी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 9 माइनस 8 यानी कि 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और अपॉन 2a यानी 4, यानी क्या आ जाएगा, ये m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 होता है, ठीक है, तो दो केस बनेंगे, एक तो माइनस 3 प्लस माइनस अभी लिख देते हैं ऐसे ही अपॉन 4, जब आप प्लस साइन लोगे तो क्या आएगा, प्लस साइन लोगे तो आएगा माइनस 2 अपॉन 4, और जब माइनस साइन लोगे तो क्या आएगा, माइनस 4 अपॉन 4, यानी या तो आंसर आएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2 या फिर आंसर आएगा आपका माइनस 1, यानी अगर ये तो m2 की वैल्यू होगी इसका मतलब, यानी m2 की वैल्यू ये हो सकती है, यानी m1 की वैल्यू क्या होगी इसकी, दुगनी होगी, यानी दो आंसर और होंगे, क्या होंगे वो, माइनस 1 बाय 2 और माइनस 1, एक आंसर ये हुआ और एक और आंसर होगा माइनस 1 एंड माइनस 2, कुल मिला के चार आंसर आएंगे, एक दो आधा एक माइनस आधा माइनस एक माइनस दो, क्योंकि चारों ही केसेस पॉसिबल है, आप देख लो इन सभी केसेस में क्या है, एक स्लोप दूसरे का दुगना है, नेगेटिव है पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ता है, दुगना तो है ही ना, और ये जो आंसर है किससे आए, वो जो कंडीशन दी हुई थी कि दोनों के बीच में एंगल जो है टेंजेंट जिसका उसका वैल्यू क्या है 1/3, वहीं से तो आई है इक्वेशन, यानी चारों ही आंसर सही होंगे। नेक्स्ट सवाल भी एक अच्छा सवाल है, वो करते हैं अब, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एंगल बनाती हैं आपस में, कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं चार क्वाड्रेंट में, उनको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइंस होंगी उनकी इक्वेशन बतानी है, यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ पहले, मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एन वाई, और इनको बाइसेक्ट करने वाली कितनी लाइन बनेंगी, दो लाइन बनेंगी, ठीक है, एक लाइन तो ये होगी, एक लाइन कुछ ऐसी होगी जो कि बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट मतलब ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल बराबर होगा तो क्या होगा, ये भी इसी के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये चारों कितने होंगे 45 डिग्रीज के। उसी तरीके से दूसरा बाइसेक्टर कौन सा होगा, दूसरा बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा जो कि इसको डिवाइड कर रहा होगा, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये भी कितने होंगे 45 होंगे। तो मान लेते ये एल वन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये L2 लाइन है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इन दोनों की आपको इक्वेशन बतानी है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे कर सकते हैं, अगर आप लाइन वन की बात देखो तो लाइन वन पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, यानी इसका स्लोप क्या होगा, एम वन की वैल्यू हो जाएगी टेन ऑफ 45 डिग्री यानी कि 1, और ये किस पास किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लिख लीजिए, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस जीरो, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स। आप देख भी सकते हो इस इक्वेशन पे क्या होगा, इस इक्वेशन में सारे वही पॉइंट्स आएंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जैसे 1, 1 कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा, 2, 2 3, 3 -1, -1 सब कुछ इसी लाइन पे आएगा, इस तरह का जो इक्वल पॉइंट्स हैं एक्स और वाई वाले, तो ये इक्वेशन होगी। इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते थे, जो था ना कि वाई पे इंटर कितना इंटरसेप्ट कटेगा, वाई पे इंटरसेप्ट कितना है इसका 0, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होता है, स्लोप एम होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है सी, पर क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से जा रही है तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 0 होगा, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू क्या है 1, यानी वाई इक्वल टू एक्स। दूसरी लाइन जो है L2 वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो एंगल बना रही है ये वाला, ये बना रही है, ये कितना एंगल है ग्रीन में 135
डिग्री। हम एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये एंगल बनाएगी 135 डिग्री, 45 45 45, तीन बार जोड़ो ना, 135 हो गया, यानी इसका स्लोप क्या होगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी 10 135। इसको आप लिख लोगे 10 ऑफ पाई माइनस 45, और 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी इसका स्लोप हो जाएगा -10 45, यानी कि -1। आप जानते भी हो एक ऑप्टूज है ना, ऑप्टूज एंगल बना रही है इसका, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = -x। कैसे निकाली मैंने ये, y = mx + c वाले फॉर्मूले से, m की वैल्यू -1 हो गई और y इंटरसेप्ट कितना है 0, तो ये y = -x हो गई। इसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हो चाहो तो, स्लोप -1 और 0,0 से पास हो रही है लाइन, तो इस तरह मैंने दोनों इक्वेशन निकाली। ये याद भी रखना है आपको, ये आप याद रखेंगे, ये काम आते हैं, ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, ये y = x और y = -x, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखिए इस पर सारे वैसे ही पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट का उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे मान लो ये पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 4 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या हो रहा है, y = -x हो रहा है। आप यहां पर देख लो भले कोई पॉइंट, मान लो यहां पर x की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी y और x कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, बट साइन में उल्टे हैं, वही तो दिखा रहा है y = -x। सो ये हो गया सवाल। एक और सवाल करते, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x - y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 4 = 0 इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन ऐसी है जो कि इन दोनों लाइन के बीच में एक सेगमेंट बनाती है। अब ये दोनों लाइन मुझे साफ दिख रही है, पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है, और तो ये दो लाइन जैसी भी होंगी, मान लीजिए एक लाइन कुछ ऐसी है, ये लाइन है मान लीजिए 5x - y + 4 = 0, और दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, मान लीजिए ये है आपकी 3x + 4y - 4 = 0। एक तीसरी लाइन है जो कि इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट बनाती है, यानी सेगमेंट क्या हुआ आपका, ये ए और बी, यानी ये कोई लाइन है एल है मान लीजिए, ये इस सेगमेंट बना रही है, इसको ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरह बना रही है कि जो सेगमेंट है ये बाइसेक्ट होता है 1,5 पे, यानी सेगमेंट बाइसेक्ट होता है मतलब सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होगा 1,5, मान लो सी इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,5, सी इसका मिड पॉइंट है, ये इसमें कंडीशन दी हुई है, यानी AC बराबर BC होगा। सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपका इस लाइन की इक्वेशन बतानी है L की, तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें कुछ चीजें, या तो दो पॉइंट चाहिए होते हैं, या आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट या स्लोप चाहिए होगा, यहाँ पे एक पॉइंट तो दिया हुआ पर स्लोप नहीं दिया हुआ, और स्लोप निकालने का सीधे सीधा रास्ता दिया भी नहीं हुआ है कैसे निकाला जाए, केवल कंडीशन इतनी सी दी है कि सेगमेंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है, दैट्स इट, और भी कंडीशन नहीं है आपके पास, उसी कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो मान लेते हैं आपने अज्यूम कर लिया इस लाइन का स्लोप m है, m की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हमारे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं लेट द स्लोप ऑफ लाइन l बी m, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी आपकी y - 5 = m x - 1। ये तो पता ही है कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, स्लोप हमने मान लिया, तो यानी क्या इक्वेशन आ जाएगी, y = mx - m + 5, mx - m + 5, इसमें कितना वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल है m, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमें एक ही चीज दी हुई है कि ये मिड पॉइंट सी, उस कंडीशन को हमें यूज करके m निकालना पड़ेगा, और कुछ दिया ही नहीं हुआ सवाल में, तो हम क्या करेंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमें a और b के कोऑर्डिनेट पता हो, तो a और b के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, a वो पॉइंट है जो कि l पे भी आता है और इस लाइन पे भी आता है, यानी उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारा निकलेगा a का पॉइंट, और वैसे ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा b का पॉइंट, तो a का पॉइंट जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी किसकी टर्म में आएगी, m की टर्म में आएगी, और b पॉइंट को सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू किसकी टर्म में आएगी, m की टर्म्स में आएगी, फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, सी आपका ए और बी का मिड पॉइंट है, x1 + x2 / 2 y1 +
वाई टू बाई टू, उससे क्या होगा आपका m की वैल्यू सॉल्व होके आएगी, फिर आप इसको इक्वेशन में डाल देंगे तो आपकी लाइन की वैल्यू आएगी। थोड़ा लेंदी सवाल बनेगा ये, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो मैं एक पॉइंट करके दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। मान लो एक एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे को, एक एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करो तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। और अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली यहां पर लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर ही है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हो आप, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा? उससे आ जाएगा मान लो ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो सॉल्विंग वन एंड टू, सॉल्विंग वन एंड टू आप लिख पाओगे कि एम एक्स माइनस एम प्लस 5 बराबर 5x प्लस 4, ठीक है। तो कैसे में बदल जाएगा ये, इसको उधर ले जाओ तो m माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम माइनस 1, एम माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम माइनस 1 इसमें आएगा। करते हैं इसको अगले पेज पे अब, यानी ये सॉल्व हो गया आएगा m माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम माइनस 1, चार में से 5 गया तो माइनस 1 बचा ना, एम माइनस 1, तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी? एम माइनस 1 अपॉन एम माइनस 5। तो इस ये आपका ये x, ये वैल्यू किसकी है एक्चुअली? ये a का x कोऑर्डिनेट है, ये जो वैल्यू आई है ये क्या है? a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? डाल देंगे इक्वेशन में, जो वन और टू इक्वेशन है उसमें किसी में भी डाल देंगे वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो सेकंड इक्वेशन में डालता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन है वाई इक्वल टू 5x प्लस 4, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू एम माइनस 1 अपॉन एम माइनस 5 प्लस 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नीचे आएगा एम माइनस 5, ऊपर आएगा 5m माइनस 5 प्लस 4m माइनस 20। क्या हो जाएगा ये? 5 और 4 9m माइनस 25 अपॉन एम माइनस 5। यानी ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट किसके हैं? ये a पॉइंट के हैं, यानी हमें एक पॉइंट पता लगा है। ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा? b पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसको वन और टू के इक्वेट करना पड़ेगा, उससे क्या होगा? हमारी m की वैल्यू सॉल्व होगी। तो m की वैल्यू के कई आंसर आ सकते हैं, रीजन बींग कि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स पे भी लगाओगे कि सम पॉइंट 1 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स 2 बाई 2, उससे कुछ m की वैल्यू आएगी, और आप y कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फॉर्म लगाओगे कि 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, उससे हो सकता है m की वैल्यू कुछ और आए। हमें कौन सी वाली m की वैल्यू माननी है? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्यों हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाली चीज भी सच होनी चाहिए और वो वाली चीज भी सच होनी चाहिए, तो एंड कंडीशन है। तो जब एंड देखते तो क्या करते हैं? हम इंटरसेक्शन करते हैं। पिछले वाले केस में क्या था? कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, या था। जब भी या आता तो क्या करेंगे? यूनियन करते हैं, सारे केसेस जुड़ते जाते हैं। इसलिए पिछले वाले केस में 4 आंसर आए थे। अभी क्या है? हम चाहते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2 भी हो, एंड कंडीशन है। वी ऑल्सो वॉन्ट 1 एंड वी ऑल्सो वॉन्ट 2, तो क्या हो गया? एंड कंडीशन है, तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, यानी एम की वही वैल्यू मंजूर की जाएगी जो इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। इन दोनों केसेस में आप समझ गए मेरी बात को, तो इसको आई लीव इट अपॉन यू। बहुत थोड़ा लेंदी सवाल है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। कॉन्सेप्ट इतना ही था जो मैं बता दिया आपको मैंने।